नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने इंडो बांग्लादेश सीमांत इलाके का किया मुआयना, बीएसएफ अधिकारियों से की बातचीत। केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने आज सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी बीपीओ का मुआयना कर वहां लॉकडाउन के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। 5 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधि दल के प्रमुख विनीत जोशी के नेतृत्व में आज सुबह सभी सदस्य वहां पहुंचे और बीएसएफ अधिकारियों के साथ फुलबाड़ी बीपीओ अंतर्गत इंडो बांग्लादेश सीमांत इलाके का मुआयना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर में जारी लॉकडाउन का सीमावर्ती इलाकों में किस तरह पालन हो रहा है इसका जायजा लेने केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्य आज वहां पहुंचे। केंद्रीय प्रतिनिधि दल सदस्यों ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बातचीत कर सीमावर्ती इलाकों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी तैयारियों की जानकारी ली। बता दें कि 20 अप्रैल को केंद्रीय प्रतिनिधि दल सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। 10 दिन से यही चीज कर रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंस मीटिंग हो रहा है, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, तो इज बिंग फॉलोड। देखिए, हम तो चेक करने आए थे कि कितने बॉर्डर पे ट्रक्स कितने जा रहे हैं, लेकिन वो हमें पता लगा, कल पता लगा कि 7th के बाद में तो सब बंद कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रिटर्न ऑर्डर इशू नहीं किया था, लेकिन ओरल ऑर्डर के बेसिस पे 7th के बाद में जब हम वहाँ गए थे वो वाली बॉर्डर पे, तो वो जोगबानी से सब क्लियर हो रहे हैं ट्रक्स यहाँ से। तो अब ये बता रहे हैं हमको जो सीओ साहब की यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है 7th के बाद ही हुआ होगा। तो आफ्टर 7 नथिंग इज बिंग मूविंग और कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो वो रिटर्न ऑर्डर हो या तो होना चाहिए ना, हमारे कस्टम्स के पास में है ना हमारे बॉर्डर एजेंसीज के पास में है। केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने सीमावर्ती इलाके का किया दौरा, सीमा पर एसएसबी अधिकारियों से की बात, राज्य सरकार से नहीं मिला सहयोग। पश्चिम बंगाल में कोरोना के वास्तविक हालातों का जायजा लेने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को सीमावर्ती इलाके का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्य पहले बंगाल बिहार सीमा से बसे गलगलिया पहुंचे, वहां उन्होंने सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ बातचीत की। इसके साथ उन्होंने इन अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सभी पनटंकी के इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे, वहां उन्होंने सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने विभिन्न स्थानों में आवाजाही के दौरान रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में प्रतिनिधि दल के प्रमुख विनीत जोशी ने बताया कि इस जिले में लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन नहीं हो रहा है, यही कारण ही केंद्र सरकार ने इस जिले को रेड जोन में रखा है, यह पूरी तरह सरकार का अपना निर्णय है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि उन्हें प्रवास के दौरान राज्य सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार बुलाने पर वे लोग उनसे नहीं मिल रहे हैं। जोशी ने कहा कि अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न जिले में कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के वास्तविक हालातों को देख उनके रिपोर्ट केंद्र व राज्य। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमको हेल्प दीजिए और डेटा दीजिए, अब ये चीज आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि क्यों और कैसे कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक 34 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित, 2,39,000 लोगों की हुई मौतें। अमेरिका में संक्रमण के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। दुनिया में कोरोना से 34,607 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 2,39,586 जाने जा चुकी है, जबकि 10,81,588 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने महामारी के इलाज के लिए इबोला की दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल को आपातकालीन मंजूरी दे दी है। एफडीए प्रमुख स्टीफन हॉर्न ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेमडेसिविर के उपयोग के सही सोच करार दिया है और कहा है कि इससे बहुत उम्मीदें हैं। इसे बनाने वाले कंपनी गिलिट के कार्यकारी अधिकारी सीईओ डेनियल ओडे ने घोषणा की कि हमने लगभग 10.50 लाख रेमडेसिविर की शीशियां दान करने का फैसला किया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 68 और जवान आए कोरोना वायरस की चपेट में, अब तक 127 हो चुके हैं संक्रमित। घातक कोरोना वायरस ने सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के और जवानों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब शनिवार को 68 और सीआरपीएफ जवानों की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक सीआरपीएफ के 127 जवान कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है, इन पर लॉकडाउन को ठीक से पालन करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन अब कोरोना इन्हीं को अपनी चपेट में ले रहा है। जिन 68 जवानों में कोरोना मिला है उन सभी उस बटालियन का हिस्सा है जो कैंप फिलहाल ईस्ट दिल्ली में है। इस बटालियन के जवान पहले भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस बटालियन में अब तक कुल 122 जवान कोरोना संक्रमित मिले। सीआरपीएफ में कुल 127 जवानों में कोरोना मिला है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 37,000 के पार, अब तक 1,218 लोगों की गई जान। देश में जारी लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 37,336 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों के मामलों में महाराष्ट्र एक नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है। सबसे ज्यादा मरीज है महाराष्ट्र। दिल्ली गुजरात में मरीजों का आंकड़ा तेजी से लगातार ही बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार की और टेंशन बढ़ा दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार ग्रीन जोन के अलावा रेड और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ रियायतें भी दी गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597738095। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदम तल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगुडीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सीले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट होस्टेल, कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान हुए शहीद, 4 नागरिक भी हुए हैं घायल। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी की चपेट में आकर 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान ने बारामूला जिले के उरी सेक्टर में बिना वजह फायरिंग की थी। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन पाक फायरिंग में 4 सैनिक घायल हो गए थे। इन्हें तुरंत पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि शुक्रवार देर शाम इलाज के दौरान 2 सैनिकों ने दम तोड़ दिया। इन सैनिकों की पहचान हो गई है, इनमें एक हवलदार गोकर्ण सिंह है, जबकि दूसरा नायक शंकर SP है। अस्पताल में 2 सैनिकों का इलाज चल रहा है, उनके नाम है हवलदार नारायण सिंह और नायक प्रदीप भट्ट। लॉकडाउन में घर जाने के लिए नहीं देना होगा ट्रेन का किराया, राज्य सरकारों से वसूलेगा रेलवे। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 3.0 का ऐलान कर दिया है, जो 4 मई से 17 मई तक रहेगा। इस दौरान देश में संक्रमण की स्थिति के हिसाब से ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में बांटा गया है। इन जोन्स में अलग अलग शर्तों के साथ छूट मिलेगी। इस बीच सरकार ने प्रवासी कामगारों व छात्रों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार 1 मई से चलाई गई विशेष ट्रेनों में सफर करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। लोगों को ले जाने का किराया संबंधित राज्य सरकारों से लिया जाएगा। किराया स्लीपर क्लास का होगा और भोजन और पानी के लिए क्रमश 30 व 20 रुपए प्रति व्यक्ति अलग से लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक RD वाजपेयी ने बताया कि इन ट्रेनों में उन्हीं यात्रियों को सफर की अनुमति होगी जिन्हें राज्य सरकारें नामित करेंगी। इनके अलावा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को न तो टिकट जारी किया जाएगा, न ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रेलवे सुरक्षा पुलिस RPF के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पहली ट्रेन हैदराबाद से झारखंड के हटिया के लिए चली। सुबह 4:50 पर चली 24 बोगियों वाली ट्रेन की हर यात्री बोगी में 54 यात्री बैठाए गए हैं। रात 11:15 यहां हटिया पहुंच गई। इसी तरह नासिक से भोपाल के लिए रात 9:30 324 प्रवासियों को लेकर ट्रेन रवाना हुई। जो अन्य ट्रेनें चली वो अलुवा से भुवनेश्वर 6:00, नासिक से लखनऊ 9:30, जयपुर से पटना 10:00 और कोटा से हटिया 9:00 रवाना हुई। कोटा से चली ट्रेन में अधिकतर छात्र है। यात्रियों से कहा गया है कि वे रेलवे से कोई सामान ना खरीदे, उनका सारा खर्च उनके प्रदेश की सरकार उठाएगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी अस्पतालों को दिए सामान्य सेवाएं बहाल करने का निर्देश। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को योजनाबद्ध तरीके से सामान्य सेवाओं को बहाल करने का निर्देश जारी किया है। उसने शुक्रवार को बताया कि इन केंद्रों में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभाग ने एक सूचना में कहा कि ऐसा रिपोर्ट है कि जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, प्रसूति देखभाल, प्रवास, प्रतीक्षा से संबंधित नियमित देखभाल की जरूरत है, वे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि निजी अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कोविड 19 की चपेट में आने के डर में या तो काम नहीं कर रहे हैं या मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। उसने कहा कि कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से पहले उनसे कोविड 19 संक्रमण से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति से तत्काल निपटने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लेकर सिलीगुड़ी पहुंची बसें। राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को निकली बसें आज सिलीगुड़ी कावाखाली में पहुंच गई। कावाखाली में प्रशासन की ओर से कैंप बनाया गया और वहां बसों की व्यवस्था की गई। सभी विद्यार्थियों के कावाखाली में पहुंचने के बाद सभी विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद अपने अपने जिले में जाने के बाद विद्यार्थियों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के कारण राज्य में उक्त विद्यार्थी राजस्थान में फंसे थे। उनके परिवार वालों की ओर से उन सभी विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष आवेदन किया था। इसके बाद राज्य सरकार की मदद से 3 जिलों के विद्यार्थियों को लाने की व्यवस्था की गई। अभी राजस्थान से कोटा से जो छात्र छात्राओं उन लोग का पहले गाड़ी आ गया। ये पश्चिम बंगाल सरकार के सबसे बड़ा व्यवस्था, इतना लोग के एक साथ हम यहाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ नॉर्थ बंगाल का मालदा से शुरू करके नॉर्थ बंगाल का जितना डिस्ट्रिक्ट का छात्र छात्री यहाँ आएंगे। यहाँ से उन्होंने एनबीएसटीसी बस में उनका जिला चले जाएंगे। देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बहुत सारे कोशिश करने के बाद लगभग 2500 स्टूडेंट्स जो लोग कोटा में पढ़ाई करने के लिए गया था, उन लोग के साथ उन लोग का कुछ कुछ गार्जियन भी है, उन लोगों के राजस्थान से कोटा से बंगाल का 3 जगह में वो लोग आ रहा है। बस लगभग पहुंच चुके हैं आसनसोल में, कलकत्ता और सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में कुल 749 स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस वो लोग आ रहा है। 27 बसेस में वो लोग आ रहा है और नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे बसेस है। इधर में 8 काउंटर है, काउंटर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का इधर पे हेल्थ प्राइमरी स्क्रीनिंग हो रहा है, बाद में उन लोगों का घर में भेजा जाएगा होम क्वारंटाइन के लिए। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उधर में हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद ही उन लोग घर में जाएंगे। हम लोग उन लोग का खावा, उन लोग का लंच पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क शेक सारे हम लोग बंदोबस्त किया है। इधर में टॉयलेट सारे है, इन लोगों का जैसा कोई दिक्कत नहीं हो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया, हम लोग इधर पे है सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग है, हम सब एक साथ है इधर में। इन लोग आ रहा है, हमारा स्टूडेंट्स लोग इतना दूर से अच्छा ढंग से ये लोग अपना घर पहुँचे और लोग हार्टी एंड हेल्दी रहे। और इन लोगों का बहुत सारे ब्राइट फ्यूचर है, लोग सब स्टूडेंट ही अच्छा स्टूडेंट है। बाहर में लोग ज्वाइन के लिए प्रिपरेशन, ऑल इंडिया ज्वाइन का प्रिपरेशन के लिए जा रहा है। इन लोग का आने वाला दिन बहुत अच्छा हो। हम लोग ये आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड,